कांग्रेस सरकार कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। वहीं विजय माल्या ने साफ कर दिया है कि वो भी यूके में ही डटे रहेंगे। साथ ही माल्या ने दो टूक कह दिया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो बैंकों को फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में माल्या ने कहा है कि मैं पक्के तौर पर भारत लौटना चाहूंगा। फिलहाल हालात मेरे खिलाफ तेजी से और भयानक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा पासपोर्ट रद्द किया गया है। मुझे नहीं पता कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। ऐसे में मैं ब्रिटेन में सुरक्षित रहकर खुश हूं। मेरी भारत लौटने की कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने ब्रिटेन को माल्या के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए पत्र लिखा है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। माल्या 2 मार्च को लंदन चले गए थे क्योंकि सरकारी बैंकों के एक समूह ने किंगफिशर एयरलाइंस की तरफ से लिए गए करीब 9000 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। माल्या ने कहा कि वो किंगफिशर का फंड दूसरे काम में इस्तेमाल करने, संपत्ति खरीदने या ऐसी चीजों से जुड़े किसी मामले में दोषी नहीं है, चाहे इसकी जाँच करा ली जाए। फिलहाल माल्या भारत आने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं और उन्होंने बता भी दिया है कि वो भारत से ज्यादा ब्रिटेन में खुश हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।